गांव में रहता है आमिर खान का ये चचेरा भाई। फिल्में बनानी छोड़, अब करता है खेती बाड़ी। नहीं रास आई फिल्मी दुनिया तो फार्मिंग की पकड़ ली रहा। फिल्मी दुनिया से नाता तोड़ खेती बाड़ी से कनेक्शन जोड़ने वाले आमिर खान के ये भाई हैं मंसूर खान। जी हाँ, वही मंसूर खान जिन्होंने कयामत से कयामत तक जैसी सुपर डुपर हिट फिल्म बनाई थी और पहली फिल्म से ही आमिर खान ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ दिए थे। बीते दिनों मंसूर खान मुंबई में भाई आमिर खान के साथ स्पॉट हुए। मंसूर ने अपनी किताब का लॉन्च अपने कजन ब्रदर आमिर खान के हाथों करवाया था। इस दौरान आमिर ने मंसूर की किताब की जमकर तारीफ की, तो वहीं बरसों बाद मंसूर को देख फैंस भी यही सवाल करने लगे कि आखिर इतने बरसों से वो कहां गायब थे। तो चलिए आज आपको मंसूर खान के बारे में बताते हैं कि वो अब क्या करते हैं और कहां रहते हैं। बता दें कि मंसूर खान मशहूर फिल्म निर्माता नसीर खान के बेटे हैं, तो वहीं वो आमिर खान के चचेरे भाई हैं। साल 1998 में मंसूर खान ने फिल्म कयामत से कयामत तक से बॉलीवुड में बतौर निर्देशक कदम रखा था। ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई थी और आमिर को रातों रात स्टारडम मिल गई थी, जिसके बाद मंसूर ने जो जीता वही सिकंदर, अकेले हम अकेले तुम और जोश जैसी फिल्मों का डायरेक्शन किया। साल 2000 में रिलीज हुई फिल्म जोश मंसूर खान की आखिरी डायरेक्टोरियल फिल्म थी, जिसके बाद मंसूर ने फिल्मों से संन्यास ले लिया। हालांकि 8 साल के ब्रेक के बाद मंसूर ने दोबारा फिल्मों में वापसी की और इस बार उन्होंने भांजे इमरान खान के लिए कजिन भाई आमिर खान के साथ मिलकर फिल्म जाने तू या जाने ना को प्रोड्यूस किया था। लेकिन इसके बाद से ही मंसूर फिल्मी दुनिया से दूर हैं। मंसूर अब पेशे से किसान बन चुके हैं। मंसूर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के छोटे से कस्बे कुन्नूर में पहाड़ों पर रहते हैं। मंसूर के परिवार में पत्नी टीना खान और दो बच्चे, बेटी जैन मैरी खान और बेटा पाब्लो इवान खान हैं। करीब 20 साल पहले ही मंसूर मुंबई की भागम भाग भरी जिंदगी को छोड़कर कुन्नूर में आ बसे थे और खेती बाड़ी का बिजनेस शुरू कर दिया था। कुन्नूर में मंसूर ऑर्गेनिक चीज की खेती करते हैं, साथ ही उन्हें किताबें लिखने का भी शौक है। मंसूर अब तक अपनी 2 बुक्स रिलीज कर चुके हैं। साल 2013 में उन्होंने द थर्ड कर्व नाम से एक बुक लॉन्च की थी, तो अब हाल ही में उन्होंने अपनी दूसरी किताब वन द स्टोरी ऑफ द अल्टीमेट मिथ रिलीज की है, जिसके लॉन्च में खुद आमिर बतौर चीफ गेस्ट पहुंचे थे। तो वहीं आमिर की दोनों एक्स बीवियां रीना दत्ता और किरण राव भी इस बुक लॉन्च का हिस्सा बने थे। मंसूर खान के दोनों बच्चे जैन और पाब्लो भी फिल्मी दुनिया से जुड़े हैं। जैन एक्ट्रेस हैं। जैन मैरी खान की शादी हो चुकी है। साल 2021 में जैन ने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड और एक्टर अभिषेक साहा के साथ शादी की थी। तो वहीं पाब्लो म्यूजिक लवर और फिल्म डायरेक्टर हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाब्लो मंसूर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले फिल्में बनाते हैं। बता दें कि मंसूर खान भले ही मुंबई से मीलों दूर कुन्नूर में रहते हैं, हालांकि वो अपने चचेरे भाई आमिर के बेहद करीब हैं। हर खास मौके को ये दोनों भाई एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। मंसूर के 60वें जन्मदिन को आमिर ने खास अंदाज में सेलिब्रेट किया था। वहीं बीते साल जब आमिर की बेटी आयरा ने अपने बॉयफ्रेंड नूपुर के साथ सगाई की थी, तब इस मौके पर आमिर ने मंसूर के साथ मिलकर ही खास गाना भी गाया था। मंसूर का पूरा परिवार आयरा और नूपुर की सगाई में शामिल हुआ था। मंसूर की बेटी जैन मैरी खान और आयरा भी सिर्फ कजिन सिस्टर्स ही नहीं बल्कि बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं। दोनों बहनें बेहद क्लोज बॉन्ड शेयर करती हैं। जैन की शादी में आमिर परिवार समेत शामिल हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट E24।